भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष को कई स्थानों पर गुजारा। आइए जानते हैं किन किन स्थानों पर घटित हुई। नंबर 1, अयोध्या। राम और सीता ने अपने वनवास का प्रारंभ अयोध्या से किया। नंबर 2, त्रिज्ञा। यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने चारों वेदियों के साथ वनवास गुजारा। नंबर 3, चित्रकूट। इस जगह पर राम ने अपने अग्रणी मित्र गुहा के साथ मिलकर वनवास का विचार किया। नंबर 4, पंचवटी। यहाँ राम और सीता ने अपना आध्यात्मिक जीवन बिताया और यहाँ शूर्पणखा नामक राक्षसी से संघर्ष हुआ। नंबर 5, दंडकारण्य। यहाँ राम ने राक्षस शूर्पणखा के भाई खरदूषण को मारा और शबरी नामक अभिभावक से मिलकर आश्रम स्थापित किया। नंबर 6, कबंध। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव ने यहाँ हनुमान के साथ मिलकर समुद्र पार किया। नंबर 7, ऋषिमुख पर्वत। यहाँ राम और सुग्रीव के साथ वानर सेना ने सुग्रीव के पति वाली को मारा। नंबर 8, किष्किंधा। राम और लक्ष्मण ने यहाँ वाली को मारकर अंगद को किष्किंधा के राजा बनाया। नंबर 9, चंपा राज्य। राम ने यहाँ शबरी के आश्रम में ठहर कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। नंबर 10, नशिक। राम, लक्ष्मण और हनुमान ने यहाँ सीता माता को राक्षस रावण के राजमहल से छुड़ाया। नंबर 11, ऋषिमुख पर्वत। राम ने अपनी वानर सेना को यहाँ जुटाया और लंका के विजय के लिए युद्ध की योजना बनाई। नंबर 12, लंका। राम और हनुमान ने लंका पहुंचकर युद्ध किया और राक्षस रावण को मारकर सीता को छुड़ाया। नंबर 13, अशोक वन। सीता को छुड़ाने के बाद राम और सीता ने यहाँ एक शांतिपूर्वक जीवन बिताया। नंबर 14, अयोध्या। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ने अपने वनवास के अंत में अयोध्या पहुंचकर राजभवन में वापसी की। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और अपनी जीवन बदलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।